नमस्कार, मैं सतीश मेल्टन आज डागर में आया हूँ। डागर में आने का मेरा एक ही मकसद है। मुझे काफ़ी लोगों के फोन्स और कॉल आ रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारा एक्योटिक इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आज मजबूर होकर मुझे स्पॉट पे आना पड़ा और मैंने आज खुद देखा कि किस तरीके से हमारे एक्योटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्रशर वाले के द्वारा। हमने काफ़ी बार प्रशासन से अपील की कि इस क्रशर पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है कि प्रशासन क्यों इस मसले पे चुप बैठी है और इस पे एक्शन नहीं ले रही है। काफ़ी बार डिमांड की हमने, तो इस बार भी अपील कर रहे हैं कि इस मसले पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप खुद देख रही है, देखिए एक तरफ फ्रेश वाटर कितना अच्छा आ रहा है, एक्वाटिक लाइफ वाले एनिमल अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखिए किस तरीके से डर्टी वाटर सारा एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ये ऐसे ऐसे दरिंदों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। देखिए एक लाइफ साइकिल होता है सभी लोगों का, उसकी वजह से लाइफ चलती है। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम नहीं रहा तो आने वाले दिनों में या कुछ ही सालों के बाद एनिमल लाइफ भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस मसले पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई लेनी चाहिए ताकि ये अलीगल क्रशर जो है वो बंद हो सके। तो एक बार फिर मैं वार्निंग दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ ही दिनों में मसला हल होना चाहिए, नहीं तो चंद ही दिनों में हम रोड पे आ जाएंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, हम यहाँ पे घर में आए हुए थे तो यहाँ पे देखा हमने कि दरिया का पानी जो है वो बहुत गंदा है, तो हमने ये मसला बहुत बार उठाया है और बहुत सी कंप्लेंट्स की है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो क्रशर लगा हुआ है उसकी वजह से हमारा यह पूरा दरिया का पानी जो है वो खराब हो रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट हमारे दरिया के ऊपर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा देखो कितना गंदा पानी है, नीचे हमारे माल मवेशी पानी पीते हैं, तो यही क्रशर का गंदा पानी जो है वो हमारे माल मवेशी पीते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।